उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन किसी न किसी वजह से चर्चा में बना ही रहता है। इस बार किम जोंग ने कुछ ऐसा किया है जिसने साउथ कोरिया का पारा हाई कर दिया है। नॉर्थ कोरिया ने अपने कट्टर दुश्मन साउथ कोरिया में कूड़े वाले गुब्बारे गिराए हैं जिन्हें तोहफा बताया है, लेकिन ऐसा किया क्यों गया है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। तानाशाह किम जोंग कभी मिसाइल दागता है, कभी परमाणु धमकी देता है, लेकिन इस बार अपने कट्टर दुश्मन साउथ कोरिया पर तानाशाह ने कूड़े वाले गुब्बारों से अटैक किया है। नॉर्थ कोरिया बड़े बड़े गुब्बारों में कूड़ा कचरा भरकर उन्हें साउथ कोरिया की तरफ भेज रहा है। बुधवार को ऐसे करीब 260 कूड़े वाले गुब्बारे साउथ कोरिया के अलग अलग शहरों में गिराए गए। इन गुब्बारों में सिगरेट के टुकड़े, बेकार बैटरी, कपड़े के टुकड़े, खाद, टॉयलेट पेपर भरे हुए थे। साउथ कोरिया ने अपने नागरिकों को ऐसे बैग ना छूने को कहा है। हालांकि अभी तक साउथ कोरिया को इन गुब्बारों से कोई रासायनिक पदार्थ नहीं मिला है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की इस गंदी हरकत पर साउथ कोरिया ने चेतावनी दी है। तानाशाह के इशारे पर साउथ कोरिया में गिराए जा रहे कूड़े वाले गुब्बारों को नॉर्थ कोरिया ने तोहफा बताया है, जिन्हें साउथ कोरिया के लोगों को उठाने के लिए कहा गया है। मिसाइल हमलों और एटम बम फोड़ने की धमकी देने वाला किम जोंग अब गंदगी फैलाने में लगा है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ऐसा पहले भी कई बार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।